दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर प्रेरणा कैरियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों हम लोग सेकंड ग्रेड के लिए इंग्लिश को पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे हैं टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड दोस्तों हम पहला मेथड पढ़ चुके हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आज हम अगले मेथड की बात करेंगे। टॉपिक हमारा वही है टीचिंग मेथड और हम दो ओल्ड मेथड को पढ़ रहे हैं, तो उसमें से एक मेथड तो था कौन सा मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी, डायरेक्ट मेथड की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट मेथड, तो आज अपने डायरेक्ट मेथड की ही बातें करने वाले हैं। मेथड कौन सा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड दोस्तों एक्चुअली जो फुल इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं उनमें इस मेथड को यूज किया जाता है। डायरेक्ट मेथड का अर्थ क्या है, डायरेक्ट मेथड का अर्थ है इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाना। आप इंग्लिश पढ़ाने के, आप इंग्लिश के टीचर हैं और आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाना होता है उसमें, इस डायरेक्ट मेथड में। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में तो अपने मदर टंग का यूज करते हुए पढ़ाते हैं, यानी कि हमें इंग्लिश पढ़ानी है तो अपने हिंदी जो हमारी मदर टंग है उसकी हेल्प से इंग्लिश को पढ़ाते हैं। बट डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता है। दोस्तों इस मेथड के संबंध में जो है कुछ बातें अपने को याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस मेथड को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है। इस मेथड का दूसरा नाम है दोस्तों नेचुरल मेथड, इसको हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं। तो डायरेक्ट मेथड जो है वो नेचुरल मेथड भी कहलाता है। जैसे कि पीछे हमने जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा था, अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो आप देख लें उसको। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को दोस्तों क्लासिकल मेथड कहा जाता है, क्लासिकल मेथड कहा जाता है। लेकिन आप अपने जिस मेथड की बात कर रहे हैं इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं वैसे तो, लेकिन इसका दूसरा नाम नेचुरल मेथड भी है। और दोस्तों इसके साथ साथ इस नेचुरल मेथड को एक नाम और भी देते हैं, और यानी कि डायरेक्ट मेथड को हम एक नाम और भी देते हैं, इसका दूसरा नाम जो है ना वो है रिफॉर्म्ड मेथड। हम इस मेथड को रिफॉर्म्ड मेथड भी कहते हैं, ये रिफॉर्म्ड मेथड भी है। और रिफॉर्म्ड का दोस्तों हिंदी अर्थ क्या होता है, रिफॉर्म्ड का हिंदी अर्थ होता है संशोधित, इसलिए इसको संशोधित मेथड भी कहा जाता है, संशोधित संशोधित विधि जो है ना वो भी कहा जाता है। रिफॉर्म कार्ड होता है संशोधित। तो डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं और डायरेक्ट मेथड को हम रिफॉर्म्ड मेथड भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मेथड में जो है इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता है, इसमें जो है जिस भाषा को हम पढ़ा रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज कहेंगे हम उसको इंग्लिश को, तो जिस भी भाषा को पढ़ाना है उसको उसी ही भाषा में पढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अपने अपनी भाषा में कह सकते हैं कि हमें इंग्लिश टू इंग्लिश चलना पड़ता है। हमें इंग्लिश पढ़ानी है तो हम इंग्लिश में ही सारे रूल बताते हैं, इंग्लिश में ही बात करते हैं, इंग्लिश में ही समझाते हैं, तो डायरेक्ट मेथड की ये विशेषता होती है। अब दोस्तों इस मेथड की ओरिजिन की बात करें कि ये कहां से ओरिजिन हुआ है। जैसे कि इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो है ना ब्रिटिशर्स इसको जो है इंडिया में लेके आए थे, यानी कि ये मेथड तो ब्रिटेन से आया था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है ब्रिटेन से इंडिया में आया था। लेकिन डायरेक्ट मेथड जो है ये कहाँ से इंडिया में आया था, इसकी ओरिजिन कहाँ की है, तो दोस्तों ये इसकी ओरिजिन फ्रांस की मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है, फ्रांस की मानी जाती है। 1901 में
इसकी उत्पत्ति हुई थी इस मेथड की, और कहाँ हुई थी, फ्रांस से, यानी कि इसका ओरिजिन जो है वो फ्रांस में है, इसकी उत्पत्ति जो है वो फ्रांस में है, फ्रांस से ये मेथड आया है। और जो इस मेथड की आगे बात करें कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसके जो यहाँ पर फ्रांस से क्या है, फ्रांस से क्या है इसकी ओरिजिन, इसकी ओरिजिन है, उत्पत्ति है, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल हैं, इसके जो सिद्धांत हैं वो कहाँ से आए हैं, इसके जो प्रिंसिपल है ना वो जर्मनी से लिए गए हैं। तो हम इस लाइन, इस पूरी एक लाइन को लिख सकते हैं, फ्रॉम जर्मनी केम इट्स प्रिंसिपल, इट्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दोस्तों सिद्धांत होता है। दोस्तों एक प्रिंसिपल ये भी होता है, PRINCIPAL, ये प्रिंसिपल कौन होता है, ये प्रिंसिपल होता है प्रधानाचार्य, लेकिन हमने कौन सा प्रिंसिपल लिखा है, हमने लिखा है PRINCIPLE, इसका अर्थ होता है सिद्धांत। तो इट्स प्रिंसिपल केम फ्रॉम जर्मनी, इसके जो सिद्धांत है ना वो जर्मनी से आए हैं, जर्मनी से इसके सिद्धांत लिए गए हैं। लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से है दोस्तों, इसकी, इस मेथड की उत्पत्ति जो है ना वो फ्रांस से मानी जाती है 1901 में। और आगे अगर हम बात करें कि इस मेथड को जो है फैलाया किसने है, इस मेथड को अप्रूव किसने किया है, तो दोस्तों इस मेथड को अप्रूव किया है इंटरनेशनल फोनेटिकल एसोसिएशन, फ्रांस की जो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है ना उसने इसको जो है क्या किया है, स्प्रेड भी किया है और अप्रूव्ड भी किया है। तो हम इसकी अगली लाइन ये बना सकते हैं, यहाँ से मैं आपको शॉर्ट नोट बनाने का तरीका बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट आप इस मेथड के ऐसे ही बना सकते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं कि अप्रूव्ड भी, और साथ के साथ अपने स्प्रेड भी कह लेंगे इसको, अप्रूव्ड भी किया गया, स्प्रेड भी किया गया, किसके द्वारा, बाय इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं IPA। दोस्तों ये पी है, इसको थोड़ा सा अपने सही करते हैं, IPA के द्वारा इसको स्प्रेड किया गया और फैलाया गया। और IPA का फुल फॉर्म होता क्या है दोस्तों, IPA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन इसका फुल नेम है। इसके द्वारा इसको, इस मेथड को अप्रूव भी किया गया और स्प्रेड भी किया गया, और ये जो है वो फ्रांस में है IPA, इसके द्वारा, फ्रांस का जो IPA है ना, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, इसके द्वारा इस मेथड को अप्रूव किया गया और इसको फैलाया गया। और पीछे हमने जो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा था, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इसका कोई साइकोलॉजिकल बेस नहीं है, लेकिन इसके दो जो फिलोसफिकल बेस हैं वो हैं। तो दोस्तों इस मेथड के भी जो है फिलोसफिकल बेस हैं, या हम ये कह सकते हैं कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन फिलोसफी। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि ये मेथड जो है फिलोसफी पर
वो भी है दोस्तों यहाँ फिलोसफी पर आधारित है, फिलोसफी पर बेस्ड है ये मेथड। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट लाइन की जो बात करेंगे अपने, वो यहाँ पर ये है कि इसमें जो है ना सेंटेंस जो है ना वो यूनिट ऑफ स्पीच होता है। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड द यूनिट सेंटेंस इज, सेंटेंस इस, ये इम्पोर्टेंट है। पिछले वाले मेथड में हमने इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पढ़ा था कि वर्ड जो होता है ना वो मेन होता है, लेकिन यहाँ पर ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में वर्ड इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो है ना वो सेंटेंस इम्पोर्टेंट है। इन दिस मेथड सेंटेंस जो है, सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ, सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच। यहां पर मेन क्या है, सेंटेंस है, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड है उसमें मेन वर्ड है। दोस्तों ये हो गई बेसिक बातें इस मेथड की, जो है ये बेसिक बातें हैं। अभी हम इसकी विशेषताओं की भी बात करेंगे, इस मेथड के जो है मेरिट्स की भी बात करेंगे, डीमेरिट्स की। पर एक बार थोड़ा सा अपने इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो आज अपने जो मेथड पढ़ रहे हैं ना वो मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का अर्थ क्या है, डायरेक्ट मेथड का अर्थ है इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाना। इस मेथड का दूसरा नाम क्या है, इस मेथड का नाम है रिफॉर्म्ड मेथड, या इसको संशोधित विधि भी कहा जाता है। इस मेथड को हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, फ्रांस से होती है। इसकी ओरिजिन जो है फ्रांस से होती है 1901 में। और इसके जो प्रिंसिपल हैं, इसके जो सिद्धांत हैं ना, वो जर्मनी से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं। और इस मेथड को अप्रूव्ड किसके द्वारा किया गया और स्प्रेड किसके द्वारा किया गया, दोस्तों आईपीए के द्वारा। आईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपीए होता है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके द्वारा इसको स्प्रेड किया गया और इसके द्वारा इसको अप्रूव्ड किया गया। ये मेथड जो है ना वो फिलोसफी पर बेस्ड है, फिलोसफी जिसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। और इस मेथड में सेंटेंस जो होता है ना वो यूनिट ऑफ स्पीच होता है। तो दोस्तों यहां तक आपको उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इस मेथड की कुछ और विशेषताओं की बात करते हैं। चलिए यहां पर अब दोस्तों हम बात करेंगे इस मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स की। मेथड कौन सा है हमारा, मेथड वही है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो हम डायरेक्ट मेथड की जो है विशेषताओं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसके विशेषताओं की बात अपने करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इस मेथड की जो है वो विशेषताएं क्या हैं, इन विशेषताओं को अपने यहां पर समझेंगे। विशेषताएं हिंदी में भी लिख लेते हैं अपने, विशेषताएं। तो क्या हैं इस मेथड की विशेषताएं, वो यहां पर अपने समझेंगे। सबसे पहली विशेषता देखिए दोस्तों, सबसे पहली विशेषता ये है कि ये मेथड जो है ना वो किस पर इम्फेस करता है, किस पर जोर देता है, ओरल अप्रोच पर। कि ये मेथड ओरल अप्रोच पर जोर देता है और ये प्रमोट करता है फ्लुएंसी को, यानी कि ये स्टूडेंट को इस बात के लिए तैयार करता है कि उसको सोचना भी इंग्लिश में है और बोलना भी इंग्लिश में है, करना भी इंग्लिश में है। जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कमी क्या थी कि हम हिंदी में सोचते थे, दिमाग में क्रियाएं करते थे, हिंदी में सोचते थे और फिर सोच सोच कर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, फिर बोलने के लिए अपने आते थे, तो यहाँ गलतियां होने की संभावना होती थी। बट इस मेथड में क्या है कि बच्चा डायरेक्ट सोचता भी इंग्लिश में है और इंग्लिश को ही आगे लाता है, और इस तरह से उसके जो मस्तिष्क में है वो ट्रांसलेशन नहीं चलता है, सीधा इंग्लिश टू इंग्लिश की वो बात करता है। तो ये जो है ना वो इसका एक इसकी एक विशेषता है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि
ये मेथड जो है ना वो क्या करता है, लेस इम्फेसिस, लेस इम्फेसिस ऑन ओरल अप्रोच, ओरल अप्रोच। ये मेथड जो है ना वो ओरल अप्रोच पर इम्फेस करता है। इम्फेस का अर्थ होता है दोस्तों जोर देना। तो ये इसकी पहली विशेषता हुई। अब दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता भी जान लेते हैं कि इसमें जो है ना स्टूडेंट्स जो होता है वो फ्लुएंसी को मेन समझता है, सोचता भी दिमाग में अंग्रेजी है और बोलता भी अंग्रेजी है इसलिए। और दूसरा, इस मेथड से ना जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो सीखता है। और इस क्यों सीखता है, क्योंकि ओरल अप्रोच पर इम्फेस करता है, ओरल अप्रोच पर इम्फेस करेगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना, उसका जो उच्चारण जो है ना वो अच्छा हो जाता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि इसमें दूसरी लाइन ये बन सकती है कि दिस मेथड इज यूजफुल इन इज यूजफुल इन टीचिंग करेक्ट प्रोनंसिएशन, करेक्ट प्रोनंसिएशन। ये मेथड जो है ना वो करेक्ट प्रोनंसिएशन को टीच करने में मदद करता है। क्यों मदद करता है, क्योंकि ये जो है ना ओरल अप्रोच पर जोर देता है। तो फिर यहाँ पर करेक्ट प्रोनंसिएशन तो होना ही है दोस्तों, करेक्ट प्रोनंसिएशन। जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ा हुआ बच्चा प्रोनंसिएशन ठीक से नहीं कर पाता है, और डायरेक्ट मेथड से पढ़ा हुआ बच्चा प्रोनंसिएशन को ठीक करता है। और इसमें जो स्टूडेंट होते हैं ना वो आपस में कन्वर्स भी किससे करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, टारगेट लैंग्वेज हम इसमें यहाँ पर शब्द यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो तीसरी विशेषता है ना वो ये है कि स्टूडेंट्स कन्वर्स विथ वन अनदर, इन द टारगेट लैंग्वेज, इन द टारगेट लैंग्वेज। यहां पर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना कन्वर्स करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। किस में बातचीत करते हैं, टारगेट लैंग्वेज में दोस्तों करते हैं। टारगेट लैंग्वेज का मतलब, जिस लैंग्वेज की अपने बात कर रहे हैं, अर्थात इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो ये अगली विशेषता है इसकी। इसी तरह दोस्तों चौथी विशेषता क्या है इस डायरेक्ट मेथड की, इसमें जो है ना स्टूडेंट की जो हियरिंग कैपेसिटी है, हियर एक्यूरेटली, अंडरस्टैंड स्विफ्टली और रिकॉल इमिडिएटली, ये सारी चीजें जो है ना उसके अंदर आ जाती हैं। तो और इसके अलावा ये मेथड जो है ना स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना उसको भी क्रिएट करता है, जनरेट करता है। तो हम पहले चौथा पॉइंट ये लिखेंगे कि दिस मेथड जनरेट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स कि इस मेथड से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो भी आ जाता है, क्योंकि वो इंग्लिश में ही सोचते हैं, इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो दोस्तों उससे आएगा ही। और इस मेथड में जो है ना ऑडियो विजुअल जो मटेरियल्स हैं ना वो ज्यादा यूज किए जाते हैं, कि मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ऑडियो विजुअल मटेरियल्स जो है ना
वो एक्सटेंसिवली यूज होता है। एक्सटेंसिवली का मतलब व्यापक रूप से यूज होता है। और क्यों यूज होता है? क्योंकि जो मीनिंग होते हैं शब्दों के, कुछ के अर्थ जो होते हैं ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये भी विशेषता है। जबकि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था उसमें कोई जो है मटेरियल यूज नहीं होता है, जो सहायक सामग्री है वो यूज नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं अगली विशेषता क्या है, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड ऑडियो विजुअल श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं दोस्तों इसको, मटेरियल मटेरियल आर यूज्ड एक्सटेंसिवली 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 का अर्थ होता है दोस्तों व्यापक रूप से। व्यापक रूप से जो है ना, जो है ऑडियो विजुअल मटेरियल को यूज किया जाता है, और इसमें जो मदर टंग होती है ना उसको अलाउ नहीं किया जाता है, ये भी इसकी विशेषता है। तो हम कह सकते हैं मदर टंग जो है ना वो उसको अलाउ यहां पर नहीं किया जाता है, मदर टंग नोट अलाउड। मदर टंग जो होती है उसको अलाउड नहीं किया जाता है यहां पर, यानी कि जो मातृभाषा है वो यहां पर नहीं बोली जाती है। इस मेथड में ना बहुत सारे क्वेश्चंस टीचर के द्वारा पूछे जाते हैं, तो यहां पर ये पॉइंट भी आ सकता है कि इन दिस मेथड मच क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द टीचर, आर आस्क्ड बाय द टीचर, ठीक है, ये भी इसकी विशेषता है। और आठवें नंबर की विशेषता क्या है इसमें, जो इस मेथड में जो है ना वो वोकेबलरी जो होती है वो कब पढ़ाई जाती है, पहले जो वर्गीकरण किया जाता है, पहले सिलेक्शन किया जाता है, ग्रेडेशन किया जाता है, फिर जो है जो भी पढ़ाना होता है उसका पहले सिलेक्शन किया जाएगा, फिर ग्रेडेशन किया जाएगा, मतलब क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है ये सारी चीजें की जाती है, उसके बाद जो है ना वोकैबुलरी भी पढ़ाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दिस मेथड वोकैबुलरी इज टॉट आफ्टर द प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन एंड ग्रेडेशन। पहले सिलेक्शन किया जाता है कि पढ़ाना क्या है, सिलेक्शन, ठीक है, SITION, इसको वापस लिख लेंगे अपने, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो ये लाइन क्या बनेगी कि वोकैबुलरी इज टॉट आफ्टर सेलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ठीक है, क्या पढ़ाना है इसको सिलेक्ट करके फिर उनका एक क्रम देना, उनको पहले क्या पढ़ाना है बाद में क्या पढ़ाना है, उसके बाद जो है ना उसको वोकैब को पढ़ाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर जो है ना इस मेथड में जो प्रोनंसिएशन जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली बच्चा सीख जाता है, उसको अलग से प्रोनंसिएशन सिखाने की जरूरत जो है नहीं होती है, या उसको उस बच्चे को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताने की जरूरत नहीं है, वो उस जो प्रोनंसिएशन है चीजों का वो आसानी से सीख जाता है। तो दोस्तों ये सारी जो है ना डायरेक्ट मेथड की क्या है विशेषताएं हैं। डायरेक्ट मेथड जिसको हम, एक नाम पहले भी बता चुका हूं मैं, हम इसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं। डायरेक्ट मेथड यानी कि नेचुरल मेथड। विशेषताएं एक बार अपने रीडिंग लगा लेते हैं कि लेस एम्फेसिस ऑन ओरल अप्रोच, सिर्फ ओरल अप्रोच पर ही ना इस पर जोर दिया जाता है, तभी तो बच्चा उच्चारण जल्दी सीखता है। और फिर यहाँ पर दूसरी लाइन इसी से बिलोंग करती है कि दिस मेथड इज यूजफुल इन टीचिंग करेक्ट प्रोनंसिएशन, करेक्ट प्रोनंसिएशन बच्चा इसी मेथड से सीखता है।
स्टूडेंट्स कन्वर्स विद वन अनदर इन द टारगेट लैंग्वेज, बच्चे जो है आपस में बातचीत करते हैं टारगेट लैंग्वेज में, अर्थात इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं। आगे है कि दिस मेथड जनरेट सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स, इस मेथड से बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और आगे है कि इन दिस मेथड ऑडियो विजुअल मटेरियल्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली, एक्सटेंसिवली का अर्थ होता है व्यापक रूप से। ऑडियो विजुअल जो मटेरियल है ना, जो प्रोजेक्टर वगैरह है, उनका ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि बालकों को, जो बच्चे जो होते हैं ना, उनको मीनिंग क्लियर करवाने के लिए इसका यूज होता है। और फिर मदर टंग जो है ना, वो इसमें अलाउड नहीं है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है, मच क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय द टीचर, बहुत सारे क्वेश्चन जो है टीचर के द्वारा पूछे जाते हैं। और वोकैबुलरी जो है ना, वो कब पढ़ाई जाती है? सिलेक्शन और ग्रेडेशन के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर हमने विशेषताएं जान ली, बेसिक जानकारी समझ ली है डायरेक्ट मेथड के संबंध में। अगली क्लास में हम इसके मेरिट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और डीमेरिट्स की भी बात करेंगे, यानी कि इस मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं और इस मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। दोस्तों मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल पर सेकेंड ग्रेड के लिए और रीट के लिए कंप्लीट इंग्लिश जो है, मैं आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। आप बस इत्मीनान से प्रत्येक वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखा करें, वीडियो को देखकर नोट्स प्रिपेयर करें। और एवरी संडे को जो टेस्ट होगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर होगा, उसका लिंक मैं डेली कहता हूँ पर देता नहीं हूँ, मैं भूल जाता हूँ। आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, आप उस चैनल के लिंक के माध्यम से जुड़ें और एवरी संडे को जो टेस्ट होगा, हम मंडे टू सैटरडे जितना पढ़ेंगे संडे को उसका टेस्ट देंगे, है ना। तो वो अच्छा एक लेवल का टेस्ट होगा और आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। इस चैनल पर आपको पूरी सेकेंड ग्रेड की इंग्लिश का एक एक टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।